फरीदाबाद के मोहित अपनी पूरी शॉपिंग ऑनलाइन ही करते हैं। हाल में उन्हें एक हेडफोन खरीदना था। उन्होंने सर्च किया और फटाक से एक बढ़िया हेडफोन ऑर्डर कर दिया। महज 6 से 7 दिन के बाद उनके दोस्त अंकित ने वही हेडफोन 500 रुपए कम में खरीद लिया। दरअसल साइट पर फेस्टिवल डिस्काउंट चल रहा था। अब मोहित पछता रहे हैं कि काश वो भी थोड़ा रुक गए होते तो उनके भी 500 रुपए बच जाते। इस कहानी में हम सबके लिए एक सबक है। हालांकि ज्यादातर लोग खरीदारी के वक्त हड़बड़ी या ऐसी ही कोई दूसरी गलती कर देते हैं जो उनकी जेब पर भारी पड़ जाती है, तो मनी नाइन के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही टिप्स देने जा रहे हैं जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त अपने पैसों का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहली टिप यह है कि खरीदारी के लिए ऑनलाइन साइट्स पर आने वाली सेल का इंतजार करें। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज और अमेजॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा भी एंड ऑफ सीजन सेल और कई त्योहारों पर आपको अच्छी खासी छूट मिल जाती है, तो हड़बड़ाएं नहीं, थोड़ा रुक लें और जो बचत होगी उससे गर्मा गर्म पिज्जा का आनंद ले सकते हैं। किसी भी आइटम को देखते ही खरीदने की बजाय आप इन्हें पहले विशलिस्ट में डालना सीखें। ये आदत दो तरह से पैसा बचाने में काम आएगी। विशलिस्ट में प्रोडक्ट डाल दीजिए तो हो सकता है बाद में आपको लगे कि अरे नहीं, इसे लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, यानी आपके पैसे खर्च होने से बचे। दूसरा, विशलिस्ट में मौजूद इन्हीं चीजों को सेल के वक्त आप कम दाम पर भी ले सकते हैं। प्राइस अलर्ट लगा दीजिए और जैसे ही दाम कम हो खरीद लीजिए। गूगल बाबा किस लिए हैं? हाँ, गूगल भी आपको पैसा बचाने में मदद करेगा। बस आपको करना यह होगा कि किसी भी ई कॉमर्स साइट से कुछ खरीदने से पहले गूगल पर भी उसे सर्च कर लें। इससे अलग अलग साइट पर उसी प्रोडक्ट की कीमतों का पता चल जाएगा। प्राइस कंपेयर करके जहां सबसे सस्ता मिले वहां से खरीद लीजिए। और कार्ड के ऑफर कहाँ है? अलग अलग साइट पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के कई ऑफर्स मिलते हैं, इनको जांच लें। जहां आपको इन कार्ड के जरिए सबसे बढ़िया छूट ऑफर हो रही हो वहां बाय नाउ का बटन दबा दें। आजकल ऑनलाइन कूपन कोड भी मिल जाते हैं तो इन्हें भी सर्च करें, हो सकता है कुछ पैसे ही बच जाएं। प्राइस ट्रैकर एक्सटेंशन भी आएगा काम। ये ट्रिक बड़े काम की है। अगर आप डेस्कटॉप यूजर हैं तो अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में प्राइस ट्रैकर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आप अमेज़न से कुछ खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ग्राफ पर जाएं और उसे चेक कर लें कि कीमत कब कम हुई थी और कब कीमत ज़्यादा। सोशल मीडिया की भी मदद लें। टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनल हैं जो हमेशा सस्ती डील्स दिखाते हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। चलते चलते हम पैसे बचाने के कुछ और आइडिया भी आपको दे जा रहे हैं। आप अमेज़न पर प्राइम मेंबरशिप और फ्लिपकार्ट पर प्लस मेंबरशिप से भी पैसे बचा सकते हैं। अमेज़न जैसी साइट पर सब्सक्राइब एंड सेव का विकल्प चुन सकते हैं जो किसी प्रोडक्ट पर 15% तक डिस्काउंट दिलाते हैं। कई ई कॉमर्स साइट के अपने ई वॉलेट भी हैं जिनके इस्तेमाल पर वो कैशबैक भी देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करें क्योंकि COD यानी कैश ऑन डिलीवरी में चीजों की कीमतें कई बार थोड़ा बढ़ जाती हैं। कई ऐसे ऐप भी हैं जैसे कैश करो, कैशबैक एंड कूपन्स, जिनके जरिए आप ई कॉमर्स साइट पर शॉपिंग करेंगे तो आपको कैशबैक भी तगड़ा मिलेगा।